चलिए बच्चे कुछ एडवांस प्रॉब्लम देखते हैं चेन रूल फिजिक्स में कैसे यूज होना है फिजिक्स में बहुत जगह चेन रूल यूज होता है छोटा चेन रूल मैथ्स में तो बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होंगे और सिर्फ मैथामेटिकल एप्लीकेशन आती है कि भाई फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते जाइए एक के बाद एक के बाद एक के बाद फाइनली आंसर आ जाएगा लेकिन फिजिक्स में कैसे यूज होता है ये देखते हैं चलिए इंसेक्ट इज मूविंग ऑन अ ट्रांसपेरेंट बाउल मतलब एक कांच का एक बाउल है ताकि लाइट पास हो सके तो इसका मतलब यहां पर ट्रांसपेरेंट बॉल ऑफ रेडियस इस का जो रेडियस है वो कितना है r है ट्रांसपेरेंट ऑफ रेडियस डायग्राम अ पॉइंट लाइट सोर्स इज प्लेस्ड प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ बाउल इस बाउल के सेंटर पर एक लाइट सोर्स है पॉइंट सोर्स ठीक है ना पॉइंट सोर्स

Yeah. Yeah. दोबारा yeah. बोल रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल मेड बाय इंसेक्ट चेंजेस एट अ रेट ऑफ के रेडियन पर सेकेंड तो इसका एंगल इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ के रेडियन पर सेकेंड अब इसने बोला फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑफ इंसेक्ट ऑन द फ्लोर ये जो शेडो बनेगी अगर यहाँ लाइट है यहाँ इंसेक्ट है तो इसका अलग ला ये लाइट रुक जाएगी और यहाँ पर ऐसे इसकी परछाई बन रही होगी तो जैसे जैसे कि इंसेक्ट आगे जा रहा होगा जबकि इंसेक्ट यहाँ होगा तो परछाई यहां होगी जब ये सन यहां पहुंच जाता है परछाइयां होगी इसका मतलब इस शैडो इज मूविंग लाइक दिस तो वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस शेडो इसका मतलब शेडो की वेलोसिटी निकालनी है तो शेडो की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है वो देखना है शेडो इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस तो इसको एक्स बोल देते हैं इसका मतलब मुझे निकालना है मुझे निकालना है dx dt वी हैव टू फाइंड dx dt हाउ फास्ट किस तरीके से चेंज हो रहा है है ये हमें velocity देगा तक। अब मुझे X का relation with respect to theta चाहिए क्योंकि मुझे टीटा गिवन है क्या मैं एक्स और टीटा को रिलेट कर सकता हूं क्या बिल्कुल कर सकता हूं यदि अपन यहां से देखेंगे तो इसका मतलब एक्स बाय आर टेंटीटा ये रिलेशन है एक्स एंड आर के बीच का एक्स और आर के बीच का यदि यह रिलेशन है तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स इजिकल टू आर टेन टीटा अब मुझे निकालना है डी एक्स बाय डी टी इसका मतलब मैं इधर डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो वेलॉसिटी ऑफ द शेडो वी इज गिवन बाई डी बाई डी टी ऑफ And x एक्स एंड एक्स का वैल्यू लिख दिया d बाई डी टी ऑफ आर टेन टीटा आप एक बार बताइए क्या r बदलेगा क्या कभी यदि ये इंसेक्ट यहां जा रहा है तो किसी भी समय r की वैल्यू बदल सकती है क्या नहीं बदल सकती इसका मतलब आर इज कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ दाइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन इसको आर को अपन बाहर ले लेंगे कि अपन पहले ही देख चुके तो इसका मतलब मेरे पास देखा डी बाइ डी ऑफ टेन टीटा टेन टीटा का differentiation निकाला था डिफ्रेंशियनिका रूल के अंदर ये एक भी है क्या अलग से आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं डी बाई डी टी ऑफ टेन टीटा टेन टीटा का डिफ्रेंशियन होता है सेक स्क्वायर टीटा अब देखिए मैंने आपको बताया था चेन रूल कब चलता है यहां पर है फंक्शन टीटा और यहां पर है फंक्शन टाइम इसका मतलब दीस टू फंक्शन आर नॉट सेम इसका मतलब यहां पर हाउ फास्ट टीटा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैटर करता है तो इसका मतलब यहां चेन विल कंटिन्यू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अपन बोलेंगे टीटा के साथ चेन कंटिन्यू रहनी चाहिए तो इसका मतलब यहां टीटा था यहां टी था यदि यहां टी होता और यहां भी टी होता तो डी टी बाय डी टी आता जो वन बन जाता यदि यहां टीटा होता और यहां भी टीटा होता तब भी यही अपना डिफ्रेंशिएशन खत्म हो जाता बिकॉज टीटा विल चेंज टीटा। तो डी टीटा हमेशा बनाएगा लेकिन यहां टीटा और टी है, तो इसका मतलब तो इसका मतलब मेरे लिए यहां पर चेंज कंटिन्यू रहेगी इसी को चेन रूल बोलते हैं और इसको लिख देंगे डी टीटा बाय क्या डी टीटा बाई डी टी आप जानते हैं तो इसका मतलब डी टीटा बाई डी टी गिवन एज के तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ शेडो वेलोसिटी ऑफ शेडो इज गिवन बाई आर के ये हमारा आंसर हो जाएगा और इस तरीके से फिजिक्स में चेन रूल यूज कर सकते हैं दोबारा बता रहा हूं देखिए इन्होंने देख बोला टीटा इज चेंजिंग ड्यू टू मोशन ऑफ द इंसेक्ट टीटा चेंज हो रहा है लेकिन इन्होंने टीटा चेंज होने के बावजूद भी इन्होंने पूछा कि शेडो कैसे मूव कर रही है या शेडो की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है मुझे गिवन है टीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या टीटा किस रेट से बदल रहा है लेकिन मेरे से पूछा गया है कि पोजिशन ऑफ शेडो बताइए तो अब मुझे यह देखना पड़ेगा क्या पोजिशन ऑफ शेडो एंगल पर डिपेंड करता है क्या तो आपने बोला बिल्कुल करता है सर देखिए कम एंगल पर यह पोजिशन होगी ज्यादा एंगल पर यह पोजीशन हो रही है इसका मतलब एंगल पर पोजीशन डिपेंड कर रहा है एंगल पर पोजीशन डिपेंड कर रहा है तो मैंने बोला कैसे रिलेट करेंगे तो मैंने बोला कि एंगल को कैसे डिपेंड करेंगे तो ये हो गया एक्स, ये हो हो गया गया तो, तो तो इसका रिलेशन बिटवीन पोजिशन एंड एंगल अब अगर एंगल बदलेगा तो पोजिशन बदलेगी तो ये तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि हाउ फास्ट पोजीशन विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एंगल मतलब डी एक्स बाय डी लेकिन मेरे से पूछा हाउ फास्ट पोजीशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो मैंने इसलिए इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया लेकिन यहां पर जो फंक्शन था वो एंगल के रेस्पेक्ट में था तो इसका मतलब एंगल किस रेट से टाइम के साथ चेंज होगा ये मुझे आगे कंटिन्यू करना है और इस आगे कंटिन्यू करने को ही चेन रूल बोला जाता है डी टीटा बाय डी टी समझ गए ये और ये फंक्शन यदि सेम नहीं है तो आप हमेशा इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ये वैल्यू क्या था आपको गिवन होगी या कभी पूछ सकता है इसी को चेन रूल बोलते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं अ लेडर ऑफ लेंथ एल ये लेडर है या रॉड बोलते लेडर ऑफ लेंथ एल इज प्लेस बिटवीन वॉल एंड ग्राउंड एज शोन इन द डायग्राम

अब देखते हैं कि क्या है चलिए वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? है वाई हो हो तो इसका मतलब जैसे जैसे उधर की तरफ जा रही है तो एक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एक्स इज चेंजिंग जैसे जैसे बी यदि नीचे की तरफ आएगा तो वाई भी चेंज होता जाएगा इसका यदि अर, पहले वाला डायग्राम कि इनिशियल पोजीशन कैसे होगी तो ऐसा कुछ होगा तो एंड ए इधर से इधर पहुंचा तो ए की पोजीशन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है इसको ऑरिजिन ले लें तो वाई इज दोजीशन ऑफ बी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ बी मतलब डीवाई बाई डी टी मुझे पूछा गया एंड मुझे डीएक्स बाई डी गिवन है इसका मतलब गिवन है और मुझे dy/dt पूछा गया dy/dt पूछा गया और dx/dt गिवन है अब मुझे x एंड y को रिलेट करना है x और y को रिलेट करना है किसी भी तरीके से x और y को अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं देखते हैं कोई x और y आपस में रिलेट हो सकते हैं क्या तो मुझे याद आया पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन रिटन एज़ न रीड राइट एज एल स्क्स टू एक्स स्क्स वाई स्क्वायर बी एस स्क्वायर प्लस परपेडिकुलर स्क्वाइजल ठीक है ना यहाँ तक अब यदि देखें तो मुझे डी एक्स बाई डी टी गिवन है मुझे डी वाई बाई डी टी निकालना है तो इसका मतलब यदि मैं इधर डिफरेंशिएट कर दू तो मैं ये निकाल सकता हूं तो इसका मतलब इसको गिवन इक्वेशन को बाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बोथ साइड तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि मेरे को टाइम के साथ ही दिया हुआ है तो इसका मतलब डी बाई डी टी ऑफ एल स्क् डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर देखिए ये पैरामीटर और ये पैरामीटर सेम नहीं है इसका मतलब चेन कंटिन्यू होगी यह पैरामीटर हो गया पैरामीटर सेम नहीं है इसका मतलब चेन कंटिन्यू होगी

किस रेट से डीएल लेंथ चेंज हो रही होगी ये निकालना है क्या लेंथ इसकी कभी चेंज होगी इसकी चेंज नहीं हो रही है एक्स के बाहर आए तो यह आएगा टू एक्स लेकिन ये पैरामीटर हो गया पैरामीटर डिफरेंट है इसलिए चेन कंटिन्यू रहेगी यहां पर अपने को देखना पड़ेगा हाउ फास्ट और स्लो एक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसलिए dx बाय डी टी एंड सिमिलरली आएगा टू वाई इसको चेन रूल बोलते हैं टू वाय फॉर्मूला था खत्म नहीं हुआ ये की तरफ चल रहा है इसी को अपन चेन रूल बोल रहे तो यहां से अपना टर्म जीरो हो गया तो उसको लिखेंगे माइनस ऑफ टू एक्स डीएक्स बाई डी टी उसको बोलेंगे टू वाय यदि अपन यहां से देखें तो मेरे पास आ गया माइनस ऑफ एक्स बाय वाई एक्स बाय वाई या वाई बाय मुझे निकालना डीवाई बाई डी टी इसका मतलब माइनस ऑफ एक्स बाय नोन एज डीवाई बाय डी टी क्या मुझे डीवाई बाय डी टी मालूम है सॉरी डीएक्स बाय डी टी मालूम है बिल्कुल सही डीएक्स बाय डी टी इज गिवन क्या गिवन है एक्स इज चेंजिंग विच रेट So, x इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ फोर मीटर पर इसका डी एक्स बाय का वैल्यू अपने पास कितना गिवन है फोर गिवन है क्या मुझे x बाय वाई का रेशियो मालूम है x इज बेस इन दिस गिवन ट्राइंगल एंड y इज परपेंडिकुलर बेस ओवर परपेंडिकुलर इज कॉट टीटा तो कॉट थर्टी सेवन इसका हो गया कॉट ऑफ 37 सेवन विद माइनस साइन माइनस साइन डिनोट्स ऑन इंक्रीजिंग टाइम y इज डिक्रीजिंग प्लस साइन डी नोट ऑन इंक्रीजिंग टी वाईज इंक्रीजिंग यदि यह दोनों इस ये इंक्रीज करने पर यह इंक्रीज हो रहा है तो इसका लग डिफ्रेंशियन पॉजिटिव आएगा यह डिक्रीज करने पर यह डिक्रीज हो रहा है तो इसका uh, पॉजिटिव आएगा दोनों में सेम रेट है तो लेकिन यदि यह बढ़ाने पर यह डिक्रीज होता है तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव या इसका वाइस वर्सा देखिए एक्स इज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम यह एंड ऐसे फिसल रहा होगा तो यदि x इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ ठीक है तो इसका जैसे टाइम निकलता जाएगा, वाई की होती जा रही है इसका वाई टी अगर में देखा तो माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है वाई इज डिक्रीजिंग विद ऑफ दिस मच तो इसका अलग ये मेरे पास मेरे को डिक्रीज और इंक्रीज तो पूछा नहीं है मुझे वेलोसिटी पूछा है तो मैं इसको डीवाई बाई डी टी लिख सकता हूँ वट इज कॉट थर्टी सेवन कॉट थर्टी सेवन की वैल्यू कितनी होगी कॉट थर्टी सेवन की वैल्यू हो जाएगी फोर बाय थ्री कॉट थर्टी सेवन फोर बाय थ्री तो इसका अलग ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी सिक्सटीन बाय थ्री मीटर पर सेकेंड यही मेरा आंसर हो गया क्लियर है